लोकपाल बिल को प्रस्तुत करने की परमिशन सदन ने नहीं दी और अब अरविंद केजरीवाल ने पहले ये साफ कर दिया था कि अगर ऐसा होता है तो वो इस्तीफा दे देंगे, अगर ऐसी नौबत आती है तो क्या होगा। हमारे साथ हारून यूसुफ हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता। सर, जिस तरह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर वो प्रस्तुत नहीं कर पाए अपने बिल को, जल लोकपाल बिल जो कि जिसका उनका कहना है कि पार्टी का निर्माण उसी आधार पर हुआ था, ऐसे में वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, जहाँ तक जल लोकपाल का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी ने बारहा इस बात को कहा है कि कोई भी ऐसा बिल जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हो उसको कांग्रेस का पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन अगर कोई बिल असंवैधानिक तरीके से लाया जाएगा तो कांग्रेस उस प्रक्रिया के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन करेगी। और आज आपने देखा जिस तरीके से सबके सामने, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के सामने ये बात साबित हो गई कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लिखा था कि ये बिल पेश ही नहीं हो सकता, और जो स्वयं उन्होंने कहा था कि हम जो है ये इसको लीव ऑफ द हाउस लेंगे, उन्हें मालूम ही नहीं है नियमों का। और जब उस पर वोटिंग हुई तो लोगों ने कहा कि हम असंवैधानिक कोई चीज नहीं करते। लेकिन आप वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, इस्तीफा दे देंगे तो क्या आपको क्या लगता है, आप तो सहयोग दे रहे हैं। ऐसा है कि हमने तो उन्हें समर्थन दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकसभा की जल्दी में बार बार हम इस बात को भी कह रहे थे कि वो कोई मुद्दा बनाना चाहते हैं। और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है नाटक, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर करेंगे। एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये उठता है क्योंकि किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, कोई पूर्ण बहुमत नहीं है, ना बीजेपी के पास है, ना आम आदमी पार्टी के पास है, और आपकी तो सीटें ही बेहद कम है, तो ऐसे में आपको लगता है कि हंग हो वापस वही स्थिति आ जाएगी कि अब कोई सरकार नहीं होगी, सस्पेंडेड। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके ऊपर निर्णय लेंगे, जो भी फैसला करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये थे हारून यूसुफ, जिन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने सरकार को समर्थन दिया था बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को, और अब वो जो इस्तीफा देने जा रहे हैं उसमें उनकी जल्दबाजी लोकसभा चुनाव को देखते हुए है। फिलहाल उनका यही कहना है कि जो कुछ लोकपाल बिल को सदन ने मंजूरी नहीं दी उसकी साफ वजह यह है कि उपराज्यपाल ने साफ कर दिया था अपनी चिट्ठी लिखकर कि ये संविधान के जिस तरह से प्रक्रिया है उसको पालन नहीं किया गया है।